अथर्ववेद हवन से दीर्घ आयुष्य ऋषि ब्रह्मा भृगवंगिरः देवता इंद्राग्नि आयुष्यम यक्ष्मनाशनम तुझे सुखमय दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो इसीलिए तुझे ज्ञात और अज्ञात रोगों से हवन के द्वारा छुड़ाता हूँ। जकड़ने वाले रोगों ने यद्यपि तुझे पकड़ रखा हो तथापि इंद्र और अग्नि की सहायता से तू उन कष्टों से मुक्त हो सकता है। आयु समाप्त हुई हो, करीब मरने की अवस्था प्राप्त हुई हो, करीब करीब मृत्यु के समीप भी पहुंचा हुआ हो, तो भी उसको उस विनाश की अवस्था से मैं वापस लाता हूं और 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करता हूं। हवन में हजारों शक्तियां और सैकड़ों वीर हैं, ऐसे हवन से इसको मैंने वापस लाया है। यह मनुष्य अब संपूर्ण कष्टों से पार हुआ है, अब इसको इंद्र 100 वर्ष के परे भी ले जाएंगे। मैंने तुझे 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाले हवन से मृत्यु से वापस लाया है। इंद्र अग्नि सविता और बृहस्पति तुझे 100 वर्ष की आयु देवे, अब तू सब प्रकार से बढ़ता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहे। हे प्राण और अपान, तुम दोनों इस मनुष्य में ऐसे प्रवेश करो जैसे बैल गौशाला में प्रवेश करते हैं। अन्य सैकड़ों अपमृत्यु इससे दूर भाग जावे। हे प्राण और अपान, तुम दोनों इसके शरीर में निवास करो, यहाँ से दूर मत जाओ। इसके शरीर को और संपूर्ण अवयवों को पूर्ण वृद्ध अवस्था तक अच्छी प्रकार चलाओ। हे मनुष्य, मैं अब तुझको वृद्धावस्था के लिए समर्पित करता हूँ। वृद्धावस्था तक मैं तुझको आयु देता हूँ और तुझे आरोग्य पूर्ण बुढ़ापा प्राप्त हो और सब अन्य अपमृत्यु तुझसे अब दूर हो। जैसे गाय या बैल को एक स्थान पर रस्सी से बांध देते हैं, वैसे अब तेरे साथ वृद्धावस्था की पूर्ण आयु बांधी गई है। जो अपमृत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा हुआ था, उस अपमृत्यु से तुझको सत्य के हाथों से बृहस्पति छुड़ा देता है। हवन से दीर्घायुष्य की प्राप्ति हवन की बड़ी भारी शक्ति है। इससे आरोग्य बल दीर्घ आयुष्य आदि प्राप्त हो सकता है। यज्ञ याज्ञों में हवन होता है। ये यज्ञ याज्ञ ऋतुओं की संधियों में किए जाते हैं और इनसे ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले रोगादि दूर हो जाते हैं। इस विषय में कहा है, औषधियों के यज्ञ ये औषधियों के महासुख हैं, इसीलिए ऋतु संधियों में ये यज्ञ किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऋतु संधियों में व्याधियां होती हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण हवा बिगड़ती है, इससे रोग होते हैं। इन रोगों का प्रतिबंध करने के लिए ये औषधियाग किए जाते हैं। रोग नाशक, आरोग्य वर्धक और पुष्टिकारक तथा बलवर्धक औषधियों का इनमें हवन किया जाता है। जो यज्ञ रोग नाशक, आरोग्य वर्धक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे, वे दीर्घ आयु देने वाले निस्संदेह होंगे। इसमें किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। इसीलिए इस सूक्त में जो हवन से दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने का संदेश दिया है, वह अवश्य विचार करने योग्य है। हवन से रोग दूर करना, हवन से रोग दूर करने के विषय में इस सूक्त का कथन मनन करने योग्य है। अज्ञात रोग और ज्ञात रोग या राजयक्ष्मा रोग इन रोगों से रोग मुक्त कर देते हैं। पकड़ने वाले रोग से इंद्र और अग्नि इस रोगी को मुक्त कर देते हैं। इस मंत्र में हवन से ज्ञात और अज्ञात रोगों की दूर हो जाने की संभावनाएं दर्शाई हैं। ज्ञात रोग वे होते हैं कि जिनकी पहचान संपूर्ण लक्षणों से आसानी से होती है, तथा अज्ञात रोग उनको कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पहचानते नहीं अथवा जिनके विषय में वैद्यों की परीक्षा में मतभेद हुआ करता है। कोई वैद्य एक रोग बताता है तो दूसरा वैद्य दूसरा रोग बताता है। इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, उसको हवन द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात अग्नि में योग्य और औषधियों का हवन करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। विविध रोगों की निवृत्ति के लिए अन्यान्य औषधियों का हवन करने की आवश्यकता है, और कुछ पदार्थ ऐसे भी हवन में होते होंगे कि जिनसे सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता हो।
ऐसे योग्य औषधियों के सम्मिलित हवन से मनुष्य पूर्ण निरोग और दीर्घायु से युक्त हो जाता है। हवन का परिणाम यहाँ तक होता है कि आसन मरण रोगी भी रोग मुक्त होकर आरोग्य प्राप्त करता है। इस विषय में द्वितीय मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता है कि यदि यह रोगी करीब मरने की अवस्था तक पहुँच चुका हो, मृत्यु के पास भी गया हो, इसकी आयु भी समाप्त हो चुकी हो, तो भी हवन से इसकी सब आपत्ति दूर हो सकती है और इसको 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है। मंत्र संख्या 2। शतायु करने वाला हवन। इस वर्णन से हवन का अपूर्व आरोग्य वर्धक परिणाम ज्ञात हो सकता है। तृतीय मंत्र में हवन का नाम ही शतायु हवि कहा है, अर्थात इस हवन से 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो सकती है। इस शतायु हवि के अंदर शत वीर्य अर्थात 100 प्रकार के बल होते हैं और सहस्त्र अक्ष 1000 प्रकार की शक्तियां होती हैं। इससे नया तयति विश्वस्य दूरित तस्य पारम, सब दूरित को दूर किया जाता है। दूरित नाम पाप का है। यह दूरित वह है कि जो दुख उत्पन्न करने वाला शरीर में घुसा होता है। यह शरीर में घुसकर नाना प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न करता है। हवन से यह दूरी अर्थात रोगोत्पादक के द्रव्य शरीर से दूर किया जाता है। चतुर्थ मंत्र में विश्वास पूर्वक कहा है कि अब तो हवन किया गया है। इंद्र, अग्नि, सविता, बृहस्पति आदि देवताओं से शक्तियां प्राप्त की गई हैं। अब तू विश्वास पूर्वक अपनी सब शक्तियां बढ़ाता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहे। अब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। मंत्र संख्या 4। हवन का ऐसा सुपरिणाम होता है और इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है। यह हवन का परिणाम मनन पूर्वक देखने योग्य है। पंचम और षष्ठ मंत्रों में प्राण और अपान को आदेश पूर्वक कहा है कि हे प्राण और अपान, तुम अब इसी पुरुष के देह में घुसो, यहाँ ही अपने कार्य करो और इसके शरीर को तथा संपूर्ण इंद्रियों को पूर्ण आयु की समाप्ति तक अपने अपने कार्य करने के योग्य रखो तथा इसके शरीर से पृथक ना हो। तुम्हारे कार्य से इसके संपूर्ण अपमृत्यु दूर हो जावे। मंत्र संख्या 5 और 6। जब पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है और हवन से शरीर में नव जीवन संचारित होता है, तब शरीर में स्थिर रूप से प्राणान पान रहेंगे ही। यह हवन का परिणाम है। सप्तम मंत्र में कहा है कि मनुष्य, अब मैं तुझको वृद्ध अवस्था के लिए समर्पण करता हूँ। तुझे सुखमयी वृद्ध अवस्था प्राप्त होवे और सब अपमृत्यु तुझे से दूर हो जावे। मंत्र संख्या 7। वृद्ध अवस्था की गोद में समर्पण करने का तात्पर्य यही है कि पूर्ण वृद्धावस्था तक होने तक अर्थात 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक जीवित रहना। मरण का पाश। अष्टम मंत्र में एक बड़ा भारी सिद्धांत कहा है कि हर एक मनुष्य जन्मते ही मृत्यु के पाश से बांधा जाता है। यस्त्वा मृत्युर्भयाधतः जायमानम सुपाशया, मृत्यु तुझको अर्थात हर एक प्राणी मात्र का जन्मते ही उत्तम पाश से बांध कर रखता है। कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी मृत्यु के इस पाश से छूटा नहीं होता। जो जन्म को प्राप्त हुआ है वह अवश्य किसी न किसी समय मरेगा ही। अब उत्पन्न हुए प्राणी मात्रों को मृत्यु ने अपने पाशों से ऐसे जकड़ कर बांधा है कि वे इधर उधर जा नहीं सकते और सब मृत्यु के वश में होते हैं। सब जन्म लेने वाले प्राणियों को एक बार अवश्य मरना है। यह इस मंत्र का कथन हर एक को अवश्य विचार करने योग्य है। हर एक को स्मरण रखना चाहिए कि अपने सिर पर मृत्यु ने पांव रखा हुआ है। इस विचार से मनुष्य को सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य ही इस मृत्यु से बचाने वाला है। सत्य से सुरक्षितता, मृत्यु के पास से बचाने वाला एकमात्र उपाय सत्य है। यह अष्टम मंत्र ने बताया है। तम ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुद मुच्यन्त बृहस्पतिः। सूक्त 11 मंत्र 8। बृहस्पति तुझे सत्य के संरक्षक हाथों से उस मृत्यु से बचाता है, अर्थात जो मनुष्य सत्य का पालन करता है उसका बचाव परमेश्वर करता है।
वस्तुतः सत्य से ही उसका बचाव होता है। सत्य का रक्षण ऐसा है कि जिससे दूसरे किसी रक्षण की तुलना नहीं हो सकती। अर्थात एक मनुष्य अपना बचाव सत्य के हाथों से करता है और दूसरा मनुष्य अपना बचाव शस्त्रास्त्रों से करता है। तो सत्य से अपना बचाव करने वाला मनुष्य अधिक सुरक्षित है अपेक्षा उसके कि जो अपने आप को शस्त्रों से रक्षित समझता है। सत्याग्रह से अपनी रक्षा करना ब्रह्म बल है और शस्त्रास्त्रों से अपनी रक्षा करना छात्र बल है। छात्र बल से ब्रह्म बल अधिक श्रेष्ठ है, इसमें किसी को संदेह ही नहीं है। सत्य पालन से दीर्घायु की प्राप्ति। यहाँ हमें सूचना मिलती है कि दीर्घायु की प्राप्ति करने की इच्छा करने वाले को सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य के संरक्षक हाथों से सुरक्षित हुआ मनुष्य ही दीर्घजीवी हो सकता है। इस मंत्र में जो हवन का महत्व वर्णन किया है वह यज्ञ शास्त्र में प्रसिद्ध है। यज्ञ में जनता की भलाई आरोग्य प्राप्ति आदि होने का वर्णन सब यज्ञ शास्त्र कर रहे हैं। इस दृष्टि से यह सूक्त एक आरोग्य प्राप्ति का नवीन साधन बता रहा है। किसी रोग के दूर करने के लिए किसी हवन सामग्री का हवन होना चाहिए, इस विषय में यहाँ कुछ भी नहीं कहा है, परंतु हवन का सर्वसामान्य परिणाम ही यहाँ बताया गया है। हर एक रोग के दूर करने के लिए विशेष प्रकार के हवनों का ज्ञान अन्यान्य सूक्तों से प्राप्त करना चाहिए। वैदिक विद्याओं की खोज करने वाले के लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण खोज का विषय है। खोज करने वाले इसकी खोज अवश्य करें, इससे जैसा व्यक्ति का भला हो सकता है वैसा ही राष्ट्र का भी भला हो सकता है।